गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सोशल साइंस क्लास फॉर क्लास 9। सो हमारी हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड, द यूरोपियन रेवोल्यूशन एंड द रशियन रेवोल्यूशन, या हम कह सकते हैं इसको सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन में हमारा ये 7th पार्ट है, ठीक है। सो अब हम इसमें देखेंगे सिविल वॉर से। When the Bolsheviks ordered, सिविल का मतलब होता है कि खुद के लिए, अंदर के, मतलब कंट्री के अंदर के लिए, ठीक है। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. ठीक है, क्या हुआ था कि अब इस समय जो peasants थे और ये सब थे, ये अपने इनने डिमांड की थी कि जो है ना, मतलब ये बोल्शेविक्स का ऑर्डर्स भी था कहीं ना कहीं, मतलब जो गवर्नमेंट थी, कि जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब दोबारा से लोगों को दी जाए। लेकिन तो इस समय जो वो थे, मतलब पीजेंट्स थे, उनका मानना था कि उनको जहाँ वो रहते हैं वहाँ चले जाना चाहिए, ताकि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड हो, मतलब दोबारा से उनको लैंड मिले, तो जहाँ वो चाहते हैं या जहाँ उनका घर है वहीं उन्हें मिल जाए, ठीक है। फिर क्या था, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लेकिन जो बोल्शेविक के या कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में नहीं थे, या जो उनके अगेंस्ट थे, लिबरल्स थे लाइक सब, या जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, ऑटोक्रेसी यानी खुद को खुद गवर्न करना, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करते थे, तो वो लोग इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। देयर लीडर्स वर मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट बोल्शेविक्स, और वो लोग साउथ की तरफ मूव कर गए थे, और फिर उन्होंने क्या किया था, अपने ट्रूप्स ग्रुप्स बना लिए थे और सोचा था कि वो बोल्शेविक के अगेंस्ट में लड़ेंगे। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स यानी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड वाइट्स प्रोटो तसारिस्ट, तो इनको अलग अलग कलर मिल गए थे, ग्रीन जो था सोशलिस्ट के लिए और वाइट था तसारिस्ट के लिए, कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, और इनने ज़्यादातर सारे रशिया के एम्पायर को कंट्रोल कर लिया था। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जैपनीज ट्रूप्स, और इनके जो ट्रूप्स में, मतलब ग्रुप पीपल जो थे, वो कहाँ से मिले थे इन्हें सोल्जर्स या लड़ाई करने वाले लोग, फ्रेंच के थे, अमेरिका के थे, ब्रिटिश के थे और जापान के थे। ऑल दोज हु फोर्स हु वर अमंग वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, और इनकी यही लड़ाई थी कि इन्हें रशिया में सोशलिज्म को रोकना था, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इन्हें सोशलिज्म को बढ़ाना था, पर जो बोल्शेविक की गवर्नमेंट थी उसे रोकना था, ठीक है, सोशलिज्म तो बढ़ाना था लेकिन जो ग्रोथ करनी थी, लेकिन जो बोल्शेविक यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, कमेटी थी, उसको स्टॉप करना था। एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिटरी एंड फेमाइन बिकेम कॉमन, और जब इनकी लड़ाई हुई तो वो इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि उस समय लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बैंडिटरी मतलब इंजरी, नुकसान उनको जो मतलब बॉडी थी उसमें भी चोटें बहुत ज़्यादा पहुँची, उनकी जो घर थे, सामान थे, फैक्ट्रीज थी, ठीक है, उनको भी पहुंचा, और जो फेमाइन थी, फेमाइन यानी भूखमरी, ठीक है, खाना अवेलेबल नहीं था लोगों के लिए, तो फेमाइन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आपस में भी वो लड़ने लग गए कंट्री में, तो कंट्री की इस समय जो स्थिति थी, चाहे वो सोशली या इकोनॉमिकली, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की सपोर्ट में थे, यानी जो वाइट्स के सपोर्ट में थे, उनने बहुत ही हार्श कठिन स्टेप लिया, एंड पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड, और पीजेंट्स के साथ मिलकर लैंड को सीज कर दिया। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक, बाय जनवरी 1920 बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, लेकिन जनवरी 1920 में बोल्शेविक ने अपने आप को वापस में कंट्रोल में लिया रशियन एम्पायर में, ठीक है, रशियन एम्पायर मतलब वापस किसके कंट्रोल में आने लगा, कम्युनिस्ट के। दे सक्सीड ड्यू टू कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट, क्यों वो सक्सेस हुए, क्योंकि अब ये लोग आपस में कॉपरेट करने लगे थे, एक तो बोल्शेविक और नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जादिसिस्ट, कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक, तो कॉपरेशन कहाँ नहीं होता था, जहाँ जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी वो खुद को कम्युनिस्ट बोलती थी, ठीक है, ठीक है।
इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रिटुअली मैस्केर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। सो खीवा एक जगह है सेंट्रल एशिया में, जो कि वहाँ पे क्या हुआ था कि बोल्शेविक की जो कॉलोनीज थी पहले वो हुआ करती थी, लेकिन उनको हटा करके वहाँ पे लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, मतलब कि वहाँ पे नेशनलिज्म डेवलप करने लग गए थे वो लोग सोशलिज्म को रिमूव करने के लिए। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट वॉट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। और उस समय वहाँ के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक गवर्नमेंट उनसे क्या चाहती है और वो सही है कि नहीं, उन्हें किसे सपोर्ट करना चाहिए। पार्टली टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन मीन्स USSR द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। सो इस समय क्या हो रहा था कि ये बोल्शेविक गवर्नमेंट थी जो यहाँ पे मतलब कम्युनिस्ट थी, इसने जो एक अलग स्टेट या एक अलग पार्ट बनाया था रशियन एम्पायर में, उसको क्या नाम दिया गया, USSR, मतलब यूनाइटेड, ठीक है। सो USSR में क्या होता था कि इन लोगों ने पावर दे दी थी कि जो नॉन नेशनलिस्ट है, मतलब जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट है, यानी जो नेशनलिज्म को फॉलो नहीं करना चाहते, वो ऑटोनॉमी को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी ही गवर्नमेंट फॉर्म करें, ठीक है, मतलब कि वो अपने आप को खुद को गवर्न करने की पावर, यानी कि वो बाउंड नहीं है किसी एक ही चीज़ को फॉलो करने के लिए, ठीक है, किसी एक पार्टी को। तो जो नया मतलब एक एम्पायर बना था, एक नया किंगडम बना था, उसको सोवियत यूनियन का, ठीक है, USSR नाम दिया गया। और ये लोग ज़्यादातर नॉन रशियन नेशनलिस्ट होते थे और इनको पावर थी कि ये इनकी जो पॉलिटिकल होगी, मतलब जो इनके गवर्नमेंट होगी वो ऑटोनॉमी होगी, यानी ये अपनी इच्छा से फ्री हैं, जिसको फॉलो करना चाहें उसे कर सकते हैं। ये कब की बात है, दिसंबर 1922 की। But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, but इस समय तक कि ये एक बात थी कि हर चीज़ को, मतलब since this was combined with unpopular policies, कि मतलब इसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी होती थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, दैट द बोल्शेविक फोर्स्ड द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, कि बोल्शेविक को लोकल गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ता था, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, अटैम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टी पार्शली सक्सेसफुल। तो इस समय क्या होता था, नोमैडिज्म का मतलब हम देखेंगे पहले, ऑटोनॉमी तो मतलब हमें समझ आ गई कि खुद को गवर्न करना, ठीक है, तो खुद को गवर्नमेंट गवर्न करना, यानी कि जैसे अब हमें फ्री है कि हमें कौन सी गवर्नमेंट को चूज़ करना है, या हम खुद को गवर्न कर सकते हैं, अपनी चॉइस की गवर्नमेंट वहाँ बना सकते थे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे मेन जो टर्म दी गई है वो है नोमैडिज्म। नोमैडिज्म का मतलब होता है जो एक प्लेस पे नहीं रहते, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, कि वो अपने अकॉर्डिंग एक से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, जैसे पीजेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर उनकी लैंड दो जगह है और मानो कि अभी एक जगह क्लाइमेट सूटेबल है, फिर दूसरी जगह क्लाइमेट सूटेबल है, तो वो क्या करेंगे कि जब सूटेबल क्लाइमेट होगा उस जगह पे रहेंगे, फार्मिंग करेंगे और फिर दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो उसको बोलते हैं नोमैड, मतलब जो एक जगह पे नहीं रहता, इधर से उधर घूमता रहता है रहने के लिए। सो इसमें क्या बोला गया है, बट सिंस दिस वॉज कम्बाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक्स फोर्स्ड द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो लाइक अ हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट होती थी उनके ऊपर प्रेशर होता था कि वो बोल्शेविक यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ही फॉलो करेंगे, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, अटैम्प्ट्स टू विन ओवर द डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्शली सक्सेसफुल। मतलब उन लोगों ने इतनी मेहनत करी थी, इधर उधर वो इतने ज़्यादा घूमे थे, पहले रशिया के सदर्न पार्ट में गए और फिर इतना सब करने के बाद भी उनको क्या मिला था कि उनको सिर्फ पार्शली सक्सेसफुल मिली थी, मतलब वो कुछ ही पार्ट पे सक्सेसफुल हुए थे, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, मतलब उनको ऑटोनॉमी तो मिली थी, फ्रीडम तो मिली थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिली थी, ठीक है। हम इसके कंसीडर में ये दो व्यू देख सकते हैं, फर्स्ट जो है वो रॉय का है एंड सेकेंड हम जो देखेंगे वो किर्गिस का है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे वो है हमारा मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, फिर भी सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी।
मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो हमने देखा, हम इसको अच्छे से वीडियो को सुनें और रिवाइज करें, जिसमें हमने देखा कि जो मतलब वहाँ पे सिविल वॉर हुए थे, मतलब रशिया के अंदर ही अंदर वॉर हुए थे, जिससे रशिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, फैमाइन भी आई थी। लेकिन जो ट्रूप था इस समय, ये लोग रशिया में चले गए थे और इन्हें दूसरे रशिया के साउथ में चले गए थे और दूसरी कंट्री की हेल्प से ये लोग जीते। और जीतने से क्या हुआ कि इनका एक अलग पार्ट बन गया, जिसको USSR का नाम दिया गया, जिसमें इनको फ्रीडम तो मिली लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिली थी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सोशलिस्ट सोसाइटी फिर किस तरीके से फॉर्म हुई थी। थैंक यू।